पाठ सात, जिसके हम मामा हैं। माँ देखिए तो, अंकल आए हैं, हमारे लिए कितना सामान लाए हैं। हेमल, अंकल नहीं चाचा जी हैं। पर माँ अंकल ही तो कहलाएंगे ना? हाँ बेटा, पर हम रिश्तों को उनके सही नाम से बुलाएं तो ज्यादा प्यारे लगते हैं। माँ ये बड़े चाचा कहलाएंगे ना? जो पिताजी के बड़े हैं वे ताया जी, और जो पिताजी से छोटे हैं वे चाचा जी कहलाएंगे। और मामा किसे कहेंगे? जो माँ के भाई हैं वे आपके मामा हुए ना? एक सज्जन वाराणसी पहुँचे। स्टेशन पर उतरे ही थे कि एक लड़का दौड़ता आया। मामा जी, मामा जी! लड़के ने लपक कर चरण छुए। वह पहचाने नहीं, बोले, तुम कौन? मैं मुन्ना, आप पहचाने नहीं मुझे? मुन्ना? वे सोचने लगे। हाँ मुन्ना, भूल गए आप मामा जी? खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए। तुम यहाँ कैसे? मैं आजकल यही हूँ। अच्छा? हाँ। मामा जी अपने भांजे के साथ वाराणसी घूमने लगे। चलो कोई साथ तो मिला। कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, फिर पहुँचे गंगा घाट। सोचा नहा लें। मुन्ना, नहा लें? जरूर नहाइए मामा जी, वाराणसी आए हैं और नहाए नहीं, यह कैसे हो सकता है? मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई। हर हर गंगे। बाहर निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब, लड़का भी गायब। मुन्ना, ए मुन्ना! मगर मुन्ना वहाँ हो तो मिले, तौलिया लपेट कर खड़े हैं। क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा है? कौन मुन्ना? वही जिसके हम मामा हैं। मैं समझा नहीं। अरे हम जिसके मामा हैं वो मुन्ना। वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे, मुन्ना नहीं मिला। भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी यही स्थिति है मित्रों। चुनाव के मौसम में कोई आता है और हमारे चरणों में गिर जाता है। मुझे नहीं पहचाना, मैं इस चुनाव का उम्मीदवार, होने वाला एमपी, मुझे नहीं पहचाना। आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं, बाहर निकलने पर आप देखते हैं कि वह शख्स जो आपके चरण छूता था, आपके वोट लेकर गायब हो गया, वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग गया। समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं, सबसे पूछ रहे हैं, क्यों साहब, वह कहीं आपको नजर आया? अरे वही जिसके हम वोटर हैं, वही जिसके हम मामा हैं। 5 साल इसी तरह तौलिया लपेटे घाट पर खड़े बीत जाते हैं।